सो वेल हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सारी लेडीज। सो कल मैंने न्यू स्टॉक की जो है पूरी अपडेट दे दी और वीडियो डाल दी है। सी दिस इज पिंक और अगेन दिस इज अ हाफ रोस्टेड नकोमट। आप देख सकते हो आधा बैग खाली हो चुका है एक ही दिन में। इतने सारे हाफ रोस्टेड के ऑर्डर्स है, सबको बहुत पसंद है हाफ रोस्टेड मेरा, ठीक है। और ये देखो इतने बिग बिग चंक है यार, हाफ रोस्टेड के चंक्स देखो आप लोग, हाफ रोस्टेड के चंक देखो कितने मस्त है ना, बिग बिग चंक्स सी। और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ है कि नीचे बहुत सारा चूरा हुआ है। ये देखो बहुत सारा, हाफ से ज़्यादा बैग में चूरा है, मैंने पूरा ऐसा देखा खोल के, ठीक है। और ये फुल रोस्टेड नकोमट है अपनी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा डार्क है या ऐसा है, तो यस डार्क होगा क्योंकि जस्ट स्टॉक आया है, फ्रेश है, क्रंची है, जस्ट न्यू स्टॉक है। लेकिन दो या तीन दिन में ही ये नॉर्मल हो जाता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो ये सेम ही मैंने इसको रोस्ट करवाया है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, उल्टा ये अच्छा है, ज़्यादा क्रंची है। और ग्रिटी तो इसमें मुझे अब तक एक भी नहीं मिला, वो एक ही पहला चंक मिला था बस। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चेक किया है, मैं बहुत सारे चंक उठा के देखी हूँ, टेस्ट किया है। मेरी क्लेज ना सॉल्टी होती है ना ही कड़वाहट होती है, एक मेटालिक और अच्छा खासा टेस्ट आ रहा है। प्लस इसमें पिंक तो बहुत सारे, देखो ग्रेश ब्लूश चंक है, प्लस पिंकिश है, वाइटिश वाले चंक भी बहुत है। ये फुल रोस्टेड नकोमट है, ठीक है। और बिग चंक्स तो माय गॉड, हाँ चूरा इसमें भी है, ऑफ कोर्स क्ले है, तो आप लोगों को तो 1 kg में थोड़ा सा चूरा मिलता है, बट पर हमें तो इसके क्रम्बल्स है वो भी बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है, एकदम क्रंची क्रंची वाला है। लेकिन जिसको भी लग रहा है कि ये थोड़ा हार्ड होगा, तो नहीं, ये सॉफ्ट क्रंच में ही है, जैसा पुराना स्टॉक था सेम एज इट इज़ ही है। पर पुराने में मैंने ज़्यादा चंक तोड़े थे, इसलिए इस बार मैं चंक नहीं तोड़ रही हूँ। पर चलो आप लोगों की खुशी के लिए एक आध चंक तोड़ के दिखा देती हूँ। अपना जैसा स्टॉक था सेम स्टॉक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। किससे तोड़ू, किसको तोड़ू, चलो ये एक चंक तोड़ते हैं। ये देखो वाइट वाला है ना, पिंकिश में है ये, अगेन बताओ कितना सुंदर है। दिख क्या रहा था, डार्क दिख रहा था ना, बट अंदर वाइट में ही है और पिंक में है, वाइट में है। ये है हमारा फुल रोस्टेड नकोमट, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं एक दो चीज़ और है जो दिखा दूंगी। और क्या क्या स्टॉक आया है लोग पूछ रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है मैंने चीज़ें नहीं दिखाई है, तो आया नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ठीक है, वन बाय वन दिखा सकती हूँ यार, बहुत सारा काम होता है, सिंगल हैंडेडली फिलहाल चल रहा है, तो है फिलहाल बहुत सारे काम हैं। और ये देखो अगेन कितना सुंदर चंक है, ये इस तरह के टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं चंक, खाने में बहुत अच्छे हैं सच में। मैंने टेस्ट किए सारे किए, और बिग बिग चंक्स भी हैं अपने, ठीक है। ये है अपना क्ले और पिंक भी है, पिंक अलग से मिल जाएगा किसी को भी चाहिए तो। वाव कितना सुंदर टेक्सचर है ना यार, ठीक है। ये हो गया फुल रोस्टेड नकोमट, ये हो गया हाफ रोस्टेड नकोमट, और यहाँ पे है ब्लैक हॉल। ये देखो ब्लैक हॉल और फुल रोस्टेड में 19-20 का ही फर्क है। यस थोड़ा सा टेस्ट वाइज मुझे ब्लैक हॉल ज़्यादा पसंद है एज पर्सनली, बट बिग चंक्स तो यार आप लोग देख ही सकते हो, इस बार कितने बड़े बड़े चंक मिले हैं मुझे, देख सकते हो, थैंक यू वेरी मच। और ऑर्डर जो है मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये भी अगेन अच्छा सेम स्टॉक ही है, अभी एक दो दिन में इसको एयर आउट कर दूंगी, तो ये भी वैसा ही फील होने वाला है जैसा लास्ट टाइम का स्टॉक था। अगेन पिंक, वाव देखो पिंक और ग्रेश ब्लूइश और वाइटिश में फर्क, पिंक है एंड वाइटिश चंक है, ठीक है। देखो अंदर अपने चंक वैसे ही है, इस बार मैं ज़्यादा चंक नहीं तोड़ने वाली। हाँ किसी को एकदम कार्बन ब्लैक चाहिए, ऐसे एक दो चंक आए हैं, हाँ ये एकदम कार्बन ब्लैक जैसे, अंदर भी जो थोड़े से एकदम ब्लैक है, ब्लैक डायमंड ही है खुद। वैसे चंक भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वैसे चंक स्पेशली मेटालिक टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते। चलो एक चंक इसमें भी तोड़ के दिखा देती हूँ, देखो ये तो वाइट दिख ही रहा है, ठीक है।
तो वैसा नहीं कि एकदम काला काला पत्थर ही है और कोई टेस्टी फील नहीं हो रहा है इसमें। स्मोकी फ्लेवर आपको थोड़ा ज़्यादा फील होगा। और ये भी देखो थोड़ा खाली हो ही गया है, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, ऑर्डर इतने आ रहे। फाइनली सी, यही है हमारा क्ले ब्लैक हॉल। तो किसी को भी शिकायत थी तो ऐसा कोई बात नहीं है, स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने ये एक दो चंक तोड़े हैं। बहुत बिग बिग चंक्स भी हैं, तो बिग चंक किसी को सेपरेटली चाहिए तो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों तक पहुँचते पहुँचते उसको मतलब क्या हाल होगा वो मुझे नहीं पता, पर नीचे बहुत चूरा है यार, ये चीज़ है। ऊपर भले बिग चंक दे दिए पर नीचे चूरा बहुत मिला है, ये देखो डस्ट बहुत है। तो कोई हमारा स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं है, जो लास्ट टाइम था उससे अच्छा स्टॉक है। मैं कह रही हूँ ना, लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा स्टॉक है इस बार। उन्होंने और मतलब प्रॉपरली अच्छे से काम करके बना के दिया है मुझे, तो मेरे तो मुझे लगता है पैसे वसूल है, पैसा वसूल स्टॉक है। डेफिनेटली आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो मेरी क्लेस को खाली। और बहुत लोगों के आज मैसेज आए, बहुत, मैं पूरा दिन ना मतलब आज मैं रात में शूट कर रही हूँ तो मैं बहुत सच में टायर्ड हो गई इतने लोगों से बात करते करते करते, मतलब काम करते करते व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहना, इट्स लिटरली टफ। और ये जो है ना इस तरह से क्रीमिश वाले चंक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सी दिस इज़ आवर क्लेस टेक्सचर। तो डेफिनेटली आप लोग ऑर्डर करिए, देख लीजिए। और ये अपना क्रंची वाला येल्लो बटर ग्रे, जो दिन में नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। अभी मैंने सब ओपन कर दिया है, थोड़ी देर में सब कुछ मॉर्निंग तक ओपन ही रखने वाली हूँ ताकि सीधा सनलाइट आए इनके ऊपर। बहुत क्रंची, बहुत क्रंची येल्लो बटर ग्रे। जिसको बटर ग्रे में एकदम क्रंची पसंद है वो लोग इसको डेफिनेटली ट्राई करो। बस इसकी रेट हाई होगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये उन्होंने मुझे हाई दिया है। येल्लो ऐसे ही सेपरेटली नहीं मिलता है, उन्होंने बहुत ढूंढ ढूंढ के पैक किया हुआ है, तो उनको भी बहुत अप्रिशिएट है। जो मेरे सप्लायर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, सी देखो देखो क्रंच साउंड देखा आप लोगों ने, तो बहुत अच्छी है। आप लोग डेफिनेटली एक बार इसको ऑर्डर करके ट्राई करो, जो बटर ग्रे लवर है और जिसको बहुत क्रंची पसंद है चीज़ें, यू नो, वो लोग डेफिनेटली एक बार इसे ट्राई करें। मैं रेड बटर ग्रे भी एक बार दिखा देती हूँ। सो गाइस ये है रेड वाली बटर ग्रे, ये भी बहुत क्रंची क्रंची वाली है, सी। और बटर ग्रे ना कभी भी ग्रिटी नहीं आएगी, ये रोस्टिंग प्रोसेस होती है। और ये जो येलो कलर की है ना, इसका और इसका डिफरेंस है, हाँ, वरना आप लोगों को लगेगा सेम है, नहीं, ये येलो और रेड कलर में डिफरेंस है, ओके। ये देखो, ये इसको मैं देखती हूँ किसी और बैग में ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा ही नहीं लग रहा, पर शायद उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, छोटा मिनी बैग नहीं होगा, इसलिए इसमें डाल दिया। सी मस्त है, ये भी बहुत क्रंची है, वाव, लेयर्स देख रहे हो आप लोग, वाव। किसी को भी चाहिए डेफिनेटली ऑर्डर देना, रेड और येलो बटर ग्रे थोड़ा कॉस्टली दूंगी, प्लस जून अकोमट कॉस्टली दूंगी, ठीक है। और एक और चीज दिखाती हूँ, चलो। सो गाइज यही है वो चीज़, ब्लैक बटर ग्रे, ये भी अगेन बहुत क्रंची वाला है, देखो आप देख सकते हो, सी। पापड़ी बटर ग्रे है, फाफड़ा बटर ग्रे है, डबल रोस्टेड बटर ग्रे है, नॉर्मल बटर ग्रे है। तो बटर ग्रे में भी हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी है, रेड वाली बटर ग्रे है, येलो वाली बटर ग्रे है, ये भी क्रंची में है और बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत। तो और इसके अलावा नॉन रोस्टेड नकोमट भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और क्योंकि अभी तक मैंने बैग नहीं खोले ना यार, तुम लोग इसके लिए तुम लोग को डाउट लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारा स्टॉक है। मैं वन बाय वन जैसे टाइम होगा मैं वैसे बैग खोलूँगी। अभी देख सकते हो मेरा मतलब वॉइस भी कितना डाउन फील हो रहा है, क्योंकि
आई एम फीलिंग वेरी मच स्लीपी एंड वेरी मच टायर्ड. सो ठीक है, तो है सारा स्टॉक, आप लोग बिल्कुल ऑर्डर दे दो. जो अपना स्टॉक का क्वालिटी पहले था, सेम क्वालिटी अभी मिलेगा. व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है. क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, उल्टा उससे अच्छा क्वालिटी का स्टॉक लिया है. देख सकते हो आप लोग खुद, चंक के ऊपर शाइन दिखती होगी, डस्ट फ्री चंक है. ठीक है, अदरवाइज बटर ग्रे कैसी आती है मुझे पता है, मैंने बहुत सारे सेलर्स की ट्राई की है, रीसेलर्स की नहीं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी, या जो खुद ट्रेडिंग करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं, मोस्टली मैन्युफैक्चरर की, तो मुझे पता है. ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर दे दो. व्हाट्सअप नंबर दिया है स्क्रीन पे. ओके, और इंटरनेशनल शिपिंग भी अवेलेबल है. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाकी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप लोग लिख के पूछ सकते हो. बाय बाय.